बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? आज हमारी क्लास है उर्दू पर बुक की। पहले हम दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। अपनी अपनी वर्क बुक खोलिए बेटा, खोलिए सफ़ा नंबर 44। पहले हम तारीख डालेंगे और दिन लिखेंगे, यहाँ पे डेट और डे। ओके, अपना काम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू करें और अल्हम्दुलिल्लाह पर ख़त्म करें। इस्म, इस्म किसी शख्स, जगह, जानवर या चीज़ के नाम को इस्म कहते हैं। किसी शख्स, जगह, जानवर या चीज़ के नाम को इस्म कहते हैं। शख्स, अली, लड़का, दादा। अली, लड़का, दादा, ये शख्स के नाम है। जैसे आपका नाम है, मेरा नाम है, आपके अम्मी का नाम है, आपके अब्बू का नाम है, ये सब क्या है? इस्म है। ठीक है, किसी भी चीज़ के नाम को इस्म कहते हैं। ये शख्स हो गए। अब हम पढ़ेंगे जगह। जगह जैसे पेशावर, लाहौर, कराची, पाकिस्तान, इस्लामाबाद, ये सब जो है बेटा ये जगहों के नाम हैं, इनको हम इस्म कहते हैं। जगह, इस्म। ठीक है, अब है चीज़। जग, किताब, साबुन। जग, किताब, साबुन, बस्ता, दरख्त, पौधा, सेब, अनार, ये सब जो है बेटा ये चीज़ें हैं, इनका नाम को हम इस्म कहते हैं। सबके अपने अपने नाम है ना। सेब को हम सेब कहते हैं, जग को हम जग कहते हैं, ग्लास को हम ग्लास कहते हैं, तो वो जो है वो उनका नाम है, उसको हम इस्म कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही जानवरों में है, जैसे जानवर बिल्ली है, कबूतर है, तोता है, शेर है, ये सब जानवरों के नाम है ना, तो ये जो जानवरों के नाम हैं इनको हम इस्म कहते हैं। ठीक है, क्योंकि हर जानवर का अपना एक नाम है, हम सारे जानवरों को तो एक ही नाम से नहीं बुलाते ना, सबके अपने अपने नाम हैं, उसी से हम पहचानते हैं। जैसे हम कहते हैं शेर, तो हम फौरन पहचान जाते हैं कि हम कौन से जानवर की बात कर रहे हैं, ऐसे ही उसको हम इस्म कहते हैं। ठीक है, दिए गए जुमलों में इस्म के गिर्द सुर्ख रंग से दायरा लगाइए। दिए गए जुमलों में इस्म के गिर्द सुर्ख रंग से दायरा लगाएं। अब इन जुमलों में हमको जो इस्म है उसके ऊपर सुर्ख रंग से दायरा लगाना है। ठीक है, अब आप लोग एक एक रेड कलर पेंसिल ले लीजिए अपने हाथ में, रेड कलर ले लीजिए, सुर्ख रंग, तो हम उससे दायरा लगाएंगे। पहला जुमला है अल्लाह एक है। अब इसमें क्या इस्म है बेटा? अल्लाह एक है, इसमें अल्लाह इस्म है, तो हम अल्लाह के गिर्द लाल दायरा बना देंगे। ठीक है, लाइक दिस, अल्लाह एक है। ओके, अब दूसरा जुमला क्या है? अहमद मुल्तान में रहता है। अब अहमद क्या है? अहमद शख्स का नाम है, तो हम इसको दायरा लगाएंगे, ये इस्म है ना, और मुल्तान, मुल्तान जगह का नाम है, तो ये भी इस्म है, तो हम मुल्तान को भी रेड कलर का सर्कल कर देंगे। अहमद मुल्तान में रहता है। अब सिर्फ यही दोनों इसमें इस्म थे। ठीक है, अहमद शख्स, मुल्तान जगह। ये किताब किसकी है? ये किताब किसकी है? किताब चीज़, चीज़ के नाम को भी इस्म कहते हैं ना बेटा, तो किताब, हम किताब के गिर्द भी दायरा लगा देंगे। ठीक है, ऐसे ये किताब किसकी है? ठीक है, अब चौथे में है मैं लाहौर में रहता हूँ, तो लाहौर के गिर्द तो वैसे ही सर्कल लगा दिया उन लोगों ने, तो ये लाल रंग का सर्कल हम लाहौर पे बनाएंगे। ये कहाँ का है? ये जगह का है, इस जगह वाली। ठीक है, मैं लाहौर में रहता हूँ, जगह। उम्मीद है आप सबको समझ आया होगा आज का काम। अपना काम इसी तरह से कीजिए, ये सफ़ा और इस्म की पहचान कीजिए, लोगों के नाम याद कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।